हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भावन फाबारी और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी एक इम्पोर्टेंट विटामिन है। इसकी एक प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट। नाम कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा। ये हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी से निकाल देता है। इसकी और एक प्रॉपर्टी है, हमारी इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए विटामिन सी हमें कई रोगों से मुक्त रखता है। इसलिए विटामिन सी हमें नियमित रूप से लेना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विटामिन सी आपको कौन सी चीज से मिलेगा और इसकी खामी से क्या क्या तकलीफें होती है। और आप जो यहां स्क्रीन पर देख रहे हो जहां सब्सक्राइब लिखा है वहां क्लिक कर ही दीजिए ताकि आप मेरा हर एक वीडियो देख सकोगे। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि विटामिन सी हमें कौन सी चीज से मिलेगा। विटामिन सी हमें साइट्रस फ्रूट से मिलता है, जैसे कि लाइम, लेमन, ऑरेंज एक्सेट्रा। और ये हमें स्ट्रॉबेरी, कीवी, ब्लैक करंट, टोमेटो, पोटैटो, फ्रेश वेजिटेबल्स, उसमें से भी मिलता है। लेकिन विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए वो हमारे बॉडी के लिक्विड पार्ट्स में होता है। वो लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रह सकता। अगर कुछ महीने आप इसका सेवन करना बंद कर देंगे तो उसकी खामी होना शुरू हो जाएगा। विटामिन सी का रिकमेंडेड डोज 45 टू 95 मिलीग्राम पर डे है। और अगर आपने 1 ग्राम यानी कि 1000 मिलीग्राम से अगर ज्यादा लिया तो डायरिया हो सकता है या फिर लंबे समय तक लेने से रेडॉन स्टोन होने का चांस भी रहता है। कुछ किस्सों में विटामिन सी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जैसे कि इन्फेक्शन, इंजरी, सर्जरी, बर्न्स और जो क्रॉनिक स्मोकर्स है, जो स्मोकिंग करते हैं, उसको भी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि स्मोकर्स में विटामिन सी का लेवल कम होता है। विटामिन सी की कमी की वजह से थकान लगना, टायर्डनेस, फटीग जैसे सिम्टम्स पहले आ जाते हैं। इसमें डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन हो जाता है, स्कर्वी जैसे डिजीज हो जाते हैं, जिसमें हमारे गम्स में सूजन आ जाना, जिसमें से इजीली ब्लीडिंग हो जाता है, बॉडी के सुपरफिशियल और डीप पार्ट में ब्लीडिंग हो जाना, यानी कि पेटेचियल हेमरेज हो जाना, इकाइमोसिस हो जाना, पुअर हीलिंग ऑफ वुंड हो जाता है, यानी कि जो घाव लगता है उसमें रिकवरी प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है, पेट में अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो जाना, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाना। और ये सब ब्लीडिंग होने से बॉडी का हीमोग्लोबिन लेवल भी कम हो जाता है, यानी कि एनीमिया हो सकता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूं कि विटामिन सी कई डिजीज में बेनिफिशियल है। 20th सेंचुरी में विटामिन सी के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए, कई साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। साइंटिस्ट लिनस पॉलिंग, जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, उसने एक बुक लिखी, कॉमन कोल्ड एंड विटामिन सी, कैंसर एंड विटामिन सी, और उसने प्रूव किया कि विटामिन सी कई डिजीज में बेनिफिशियल है। इसका रिसर्च आज की तारीख में भी हो रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट में बहुत डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये एक बात तो तय है कि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स जो फ्री रेडिकल्स है उसको दूर करता है, ये हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए यह जरूर हमें रोग से दूर रखता है। इसलिए विटामिन सी को आप नियमित रूप से लो, ये मेरा वीडियो बनाने का एक रिवार्ड है। होप यू लाइक माई वीडियो। इस पर लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, इसको शेयर करिए और किसी को काम आएगा। आपको कोई भी टाइप की क्वेरी हो, मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ डिस्प्ले पर दिखा रहा है, उस पर मेल कर दीजिए। मैं पूरी ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने की। और सब्सक्राइब करें बिना ना जाइए। थैंक यू वेरी मच।